स्किन बहुत ज्यादा डल लग रही है, डैमेज हो गई है, सांवली पड़ती जा रही है, या फिर चेहरे के ऊपर बुढ़ापा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप 30-40 क्रॉस कर चुके हैं और आपको अपना चेहरा निखारना है, संवारना है, चाहते हैं चेहरे के ऊपर एक ग्लो लेके आना, और वो भी घर में रखी हुई चीज़ों के साथ में, तो आज की ये दो स्टेप की रेमेडी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। इस स्टेप को आपको जरूर करना है। और ये तो चलिए फिर बना लेते हैं आज की हमारी इस रेमेडी को, जो कि हमारे स्किन के कालेपन से, डार्क स्पॉट से, रिंकल से और झाइयों से तो हमें छुटकारा दिलाएगी ही, स्किन को एकदम क्लीन करेगी, स्किन को एकदम ग्लास शाइन देगी, और वो भी आपके घर में रखे हुए सामान के साथ में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी खाली बाउल, और इसमें हम लेंगे जी हमारे घर में रखा हुआ आटा, यानी कि गेहूं का आटा है, जो कि आप रोटियां खाते हैं, जिसकी गेहूं का आटा आपकी स्किन के ऊपर जब जाके चिपकता है और जब हम उसको रिमूव करते हैं, उस वक्त पे हमारे स्किन के ऊपर जमी हुई पुरानी से पुरानी डेड स्किन भी निकलती है। आपको पता है गेहूं के आटे में पाए जाते हैं ऐसे तत्व, ऐसे प्रोटीन जो हमारी स्किन की एजिंग के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आपको झुर्रियां झाइयां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, अगर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पैचेस बनते जा रहे हैं, जो कि इस एरिया में बनते हैं, खासकर इस एरिया में जो पैचेस बनते हैं आपको काले काले ब्राउन ब्राउन कलर के, अगर आप उनसे परेशान हो चुके हैं, बहुत सारी दवाइयां करा के देख ली हैं, तो इस रेमेडी को आपने जरूर अपनी स्किन के ऊपर ट्राई करना है। और ट्राई करना है क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है, घर में रखा हुआ सामान है जहां पर आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना है। आटा जो है ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया से पॉलिशिंग का भी काम करने वाला है। तो हम ले लेते हैं करीब 1-2 चम्मच के आसपास आटा। स्किन के कालेपन से भी आपको निजात मिल जाएगी इसी में ही, और डार्क स्पॉट्स रिंकल्स भी आपके इसी में चले जाएंगे। अगर आपकी एज हो गई है 30+, तो आपको इस रेमेडी को रेगुलर अपनी स्किन पे लगाना चाहिए। जब भी आप अपने घर में किचन में काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने लिए इस पेस्ट को बना लीजिए, इस मास्क को बना लीजिए और अपने स्किन पे लगा लीजिए। काम करते करते में भी आप इसको अपने चेहरे पर लगा के रख सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर ये अपना काम करेगा, आप अपना काम कर लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ जी दूध, ये उबला हुआ भी आप ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें लेना है करीब, जैसे आपने 2 चम्मच आटा लिया है तो 2 चम्मच के आसपास ही आपको इसमें दूध डाल देना है, इस तरीके से, ठीक है जी। डालेंगे जी थोड़ा सा हनी, हनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं है तो प्लीज आप इस रेमेडी को अभी मत करिएगा, जब आप हनी लेके आ जाए तब आप डालिएगा, क्योंकि हनी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच के आसपास आपने इसमें दही ले लेना है, देखिए जी सॉरी हनी ले लेना है, दही और हनी थोड़ा थोड़ा सा सेम सेम हो गया है। इस तरीके से हम ले लेंगे और बहुत बढ़िया सा ये पेस्ट हमारा बनके हमें मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा पतला ही रखना है आपने, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया तो मैंने इसमें दूध और एड ऑन किया है, दूध ही आपको डालना है और कुछ इसमें नहीं डलेगा, ना रोज वाटर ना पानी, बस दूध। चाहे आप उसको उबले हुए को ले लो, चाहे आप कच्चे दूध को ले लो, दोनों दूध इसमें चलेंगे, क्योंकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है, तो इसीलिए आपने इसमें बढ़िया सा एक इस तरीके सा पेस्ट बना लेना। ये देखिए जी, ये आप बहुत आसानी से घर पर कभी भी बना सकते हैं, आप इसको रोज भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा अनचाहे बाल हैं, आपकी स्किन पे हैं, आपके बच्चों की स्किन पे हैं, आप इसको अपने बच्चों की स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया, लेकिन इसको लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम बनाने वाले हैं हमारे फेस के लिए एक ऐसा सीरम, एक ऐसा मिस्ट जो आपको अपनी स्किन के ऊपर कभी भी आपने जब वॉश किया आपने अपना फेस, तो आपने उसको स्प्रे करना है। इससे होगा क्या, आपको अपने कलर में फर्स्ट डे में ही बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखाई देगा, कलर इतना ज्यादा फेयर दिखाई देगा, इसके साथ ही आपकी स्किन आपको टाइट दिखाई देगी, एकदम क्लीन दिखाई देगी, मॉइस्चराइज हो जाएगा आपका स्किन बहुत बढ़िया से, इतना ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा कि आपको उसके ऊपर कुछ और लगाने की आपको नीड ही नहीं लगेगी। तो जब भी आपने अपने फेस को वॉश करना है, आपने उसको स्प्रे करना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसको करने के साथ ही आपको अपना स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ लगेगा, इतना अच्छे से हाइड्रेटेड, इतना ज्यादा फ्रेशनेस आपको अपनी स्किन के ऊपर दिखाई देगी कि आप इसको हर हफ्ते बना के लगाना शुरू करेंगे। और मेरी मानिए हर हफ्ते बनाइएगा भी, बहुत बढ़िया आपकी स्किन के ऊपर ये रिजल्ट देगा। तो करना क्या है, इस पैक को तो हमने बना के रख लिया है, इसको अभी हमने 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। तब तक हम तैयार करते हैं हमारा ये जो फेशियल मिस्ट है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारी स्किन के ऊपर एक एक्स्ट्रा बैरियर का काम करती है, स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल झाइयां झुर्रियां दिखाई देती हैं, स्किन के ऊपर टैनिंग बहुत जल्दी बनती है, स्किन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि भैया
बहुत ज्यादा आपके डार्क स्पॉट्स बनते जा रहे हैं, बिना किसी रीजन के भी अगर स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, आपने ग्लिसरीन का यूज अपनी स्किन पे किसी ना किसी रूप में करना शुरू करना है। हमें ग्लिसरीन हमें लेना है 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की, ज्यादा नहीं लेनी है। एक हफ्ते का हम बैच बना रहे हैं, 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की काफी रहेंगी आपकी स्किन के ऊपर। ये देखिए मैं ट्रांसपेरेंट बॉल में पहले बना रही हूँ, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में ही आप इसको रख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आसानी से आपको स्प्रे बॉटल मार्केट में मिल जाती है। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे जी एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि लास्ट मेरे पास बचा है, बाकी मैं ले आऊंगी क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा यूज में आता है। मैं विटामिन ई का कैप्सूल खाती भी हूँ। विटामिन B12 की अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको विटामिन ई कैप्सूल खाने के लिए भी बोलेगा, और आपको कुछ विटामिन मिनरल्स खाने के लिए बोले जाएंगे जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, आपके बाल झड़ेंगे, आपके नेल्स टूटेंगे, आपकी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन, फाइन लाइन, झुर्रियां, झाइयां ज्यादा दिखाई देंगी। तो अगर आप रेमेडीज लगाना पसंद करते हैं, इसके साथ ही आप अपने शरीर को अंदर से भी हेल्दी रखिए। ये आप मेरे गर्दन पे देख रहे होंगे कि ये क्या लगा हुआ है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जी मैंने अभी पूजा किया है, ये उसका है, टीका लगा हुआ है, भोले बाबा का है, तो मैंने गर्दन पे भी लगा लिया। तो मेरा दिल नहीं था क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही अभी बना रही हूँ, और हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज बाहर से आएंगी, ये कुछ दिन तक अभी आने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमारे गणपति आए हुए हैं तो उनकी पूजा का आपको आवाज सुनाई देगा। तो मैं हमने लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल, ये हम लोग डालेंगे इसमें, और ये जरूरी है, ये आपको डालना ही डालना है। चाहे आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी आपको विटामिन ई का कैप्सूल अपनी स्किन को जरूर देना चाहिए। ये कलर को फेयर करता है, एजिंग के ऊपर काम करता है, रिंकल झाइयों को हटाता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, पिगमेंट आपकी बहुत जल्दी से चली जाती है। तो आपने लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल, और हमने ली है 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की। ठीक है जी, इसको अभी हम जरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। अब इसके साथ में हम इसमें डालेंगे जी हमारी 3 से 4 स्ट्रिंग्स केसर की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने ये वाला क्रीम, ये वाला सीरम बनाया था, इसमें भी मैंने केसर डाली हुई है। इनफेक्ट आपको अभी भी दिखाई दे रही होगी अंदर, ये देखिए ये रही दिख रहे हैं ना। तो ये हमने केसर जरूर लेनी है क्योंकि केसर से आपका रंग बहुत जल्दी फेयर होता है, आपको पहली बार में ही अपनी स्किन के ऊपर रिजल्ट भी दिखाई देने लग जाता है। ठीक है जी, ये हमने डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। अब क्योंकि मैं इसको पतला सीरम बना रही हूँ, यानी कि पतला मिस्ट बना रही हूँ, तो हम इसको पतला ही रखेंगे। तो रोज वाटर आप अच्छे से डालिए इसमें, करीब करीब 3 से 4 चम्मच के आसपास, ये इस तरीके से। पहले आप इतना ही डालिए क्योंकि मिक्सिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अगर ज्यादा लिक्विड हम लोग इसमें कर देंगे तो। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके आप इसको बनाते जाइएगा। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर आपको धीरे धीरे दिखेगा कि चेंज हो रहा है, हल्का हल्का सा ऑरेंज कलर आने लगेगा, फिर डार्क कलर हो जाएगा, क्योंकि जो केसर हमने इसमें डाली है, केसर अपना कलर देती है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें इसमें मिल जाएंगी। अब हम डालेंगे इसमें एलोवेरा जेल, ये भी हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके डालेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स होता जाए। अच्छा, हम इसको अगर थिक क्रीम में आप बनाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करना चाहती हूँ ताकि जब भी मैं अपने फेस के ऊपर वॉश करूँ तो मुझे हाथ ना लगाना पड़े, मैं स्प्रे बॉटल के साथ करूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको क्रीम की शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसको मिक्सिंग करने में, क्योंकि एलोवेरा है, इसमें हमने जो केसर डाली है, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है मिक्स होने में। ये देखिए इस तरीके से धीरे 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 आपको इसका कलर दिख रहा होगा, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक हम हमारा जो फेस पैक है वो लगा लेते हैं। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा और मैं रोज वाटर डाल रही हूँ, ये देखिए अभी भी पतला है थोड़ा सा, तो मैंने डाला थोड़ा सा और रोज वाटर, और बढ़िया से इसको हमने मिक्स करना है। ठीक है जी, तो अब आपने अपने चेहरे पर लगाना है, जिस तरीके से लगा रही हूँ इस तरीके से लगाएंगे। आपको अपना चेहरा एकदम क्लीन रखना है, बिल्कुल भी आपने अपने चेहरे के ऊपर कुछ भी मेकअप नहीं होना चाहिए, बेस तो बहुत दूर की बात है, फेस को वॉश करके बैठना है और उसके बाद ही आपने इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपने 2 से 3 मिनट की बढ़िया सी मसाज देनी है। इनकेस अगर आपने कोई स्किन केयर फॉलो नहीं किया है एक हफ्ते से, तो आप इसको ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद में आपने इसको लगा के छोड़ देना है। कम से कम 7 से 8 मिनट आपके चेहरे के ऊपर लगा रहना चाहिए, बढ़िया से। जब ये सूख जाए, जब आपको लग रहा है कि अच्छे से सूख गया है, ड्राई हो गया, तब आप इसको हल्का सा स्प्रे करेंगे। ठीक है, आप स्प्रे कर सकते हैं, आप चाहे तो कच्चे दूध को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, और उसके बाद में आप इसको हल्का सा रब करते 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 निकाल देंगे। ठीक है,
आप देख ही रहे होंगे कितने बढ़िया से एकदम स्मूथली ये निकल रहा है और स्किन एकदम आपको दिखाई दे रही होगी, दो से टोन टोन तक ऑलरेडी फेयर हो गई है। तो जैसे जैसे वर्जन होगा यानी कि आपकी स्किन का जो बेस्ट टेक्सचर होगा वो आपको मिल जाएगा, स्किन खुरदुरा है वो हट जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर जो काली लेयर जम जाती है धूल की, गंदगी की, मिट्टी की, कालेपन की, सांवलेपन की, वो हट जाती है और आपकी स्किन के अंदर जो आपकी ओरिजिनल स्किन होती है, बेबी स्किन होती है, वो आपको मिल जाती है। तो ये आपने करना है और उसके बाद में आपने इस तरीके की एक बॉटल लेनी है जो कि स्प्रे बॉटल है। इस तरीके में आपने उस मिस्ट को रख लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत बढ़िया से आपके काम करता है। इसको आपने यूज करना है अपने चेहरे के ऊपर जब भी आपने अपने फेस वॉश के बाद में इसको लगाना है। अगर आपके पास ये स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसको किसी भी कांच के कंटेनर में रखिए, हल्का सा लीजिए, अपने फेस के ऊपर लगाइए और बढ़िया से मसाज करके छोड़ दीजिए, उसको ब्रीद लेने दीजिए। बहुत बढ़िया से आपके चेहरे के ऊपर बहुत बढ़िया एक तो खुशबू रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगा आपका फेस इसके बाद में, मिस्ट के बाद में, और स्किन इतनी ज्यादा चमकदार, इतना ज्यादा ब्राइटन अप आपको लगेगा कि लगेगा कि पार्लर से कुछ आप अपने चेहरे के ऊपर क्लीन अप करा के आए हैं। बहुत बढ़िया सा ग्लो रहेगा, इतना बढ़िया शाइन रहेगा कि आप इस मिस्ट को बार बार बना के लगाना चाहेंगे। आप इस मिस्ट को हफ्ते के लिए बना के रखिए, इसकी मैं गारंटी देती हूँ बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक हफ्ता बना के रखेंगे, दूसरे हफ्ते खुद ब खुद आप इस बैच को बनाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये रेमेडी भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आपको रेगुलर अपनी स्किन का केयर भी करना होगा ताकि स्किन इसी तरह से चमकती दमकती रहे, बहुत बढ़िया ग्लो करने लगेगी, बहुत बढ़िया शाइन करेगी। आई होप आपको आज की प्रस्तुति मैं आपके लिए लेके आई थी आज की, मुझे लगा था कि आप लोगों को इसकी नीड रहेगी, इसकी जरूरत रहेगी, क्योंकि चेहरे के ऊपर हाइड्रेशन जितना ज्यादा रहेगा स्किन उतनी ज्यादा चमकदार रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर फिर से शेयर करूंगी आपके लिए आपकी डिमांड की हुई, आपकी जरूरत की कोई रेमेडी। इनकेस अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको अपनी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टा के ऊपर टैग कर सकते हैं। जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। प्लीज जाइए, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए विद प्यारे से कमेंट के साथ में, मुझे अच्छा लगेगा मेरी फैमिली के बारे में जानना कि कहां से मेरी फैमिली मुझे देखती है, कहां से देख रहे हैं, किस शहर से मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंजॉय करिए फेस्टिवल्स को।